नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्राम तेंदुटोला तहसील जैतपुर विकासखंड बुढ़ाहार जिला शहडोल मध्य प्रदेश की शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चे शौचालय एवं बाथरूम जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां जाने वाले रास्ते में बच्चों से भी बड़ा एवं बहुत मात्रा में घास उगी हुई है, जिसके कारण बच्चों को डर बना रहता है कि रास्ते में और शौचालय में किसी प्रकार के जहरीले जानवर अंदर ना हो, जिसके कारण शौचालय जाने से डरते हैं। शिक्षकों द्वारा वहाँ साफ सफाई नहीं कराई जाती, आप देख सकते हैं। ऐसे में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो कितनी किसकी जिम्मेदारी है। वहीं आप देख सकते हैं कि विद्यालय की छुट्टी 3:30 में कर दी गई है। इससे ये आभास होता है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय को अपनी मनमर्जी से चलाते हैं, जो कि विद्यालय खुलने का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान देंगे जो अपने मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं जानते हैं, जिसमें वो बरसों से जुड़े हुए हैं। अतः उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इस पर गौर किया जाए और इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाए। सर, आपका परिचय? कैलाश सिंह। आप यहाँ किस पद में सर? सहायक शिक्षक। तो ये जो शौचालय बने सर, तो यहाँ पे साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है सर। लड़के सब अंदर कर रहे थे, ऊपर से चढ़ जाते हैं, क्या करें जी। जो यहाँ पूरा घास फूस जमी हुई है, मान लीजिए कोई जहरीली जानवर आ गई, मान लो बच्चे उधर गए, मान लो खुदा ना खास किसी प्रकार की अनहोनी होती है सर, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? तो फिर आप तो सर तो फिर लापरवाही क्यों करते हैं सर? ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का हमारा? नहीं मालूम। तो आप तो टीचर हैं सर, आपको नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा? बताइए बताइए। नहीं, आप शिक्षा माध्यम से जुड़े हैं सर, आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है सर? मध्य प्रदेश का नहीं पता ना आपको? चलिए ठीक है।